आज इस करंट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स आर का बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स सोल्यूशन ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वर्किंग मेथड पे हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले दिए गए प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर। पहले दिए गए प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और कहेंगे इसे क्वेश्चन नंबर वन इन व्हिच ये भी ध्यान रखना होगा इन व्हिच कोफिशियंट ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी। एक बात ये ध्यान रखना होगा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन होना चाहिए। स्टेप टू क्या करेंगे, स्टेप टू में करेंगे फाइंड कैपिटल पी कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर व्हिच आर फंक्शंस ऑफ एक्स एलोन। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप का लेट अस चूज जेड सच दैट डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स क्यू। अब ये तो आपने कह दिया लेकिन यहां पर क्यू के साथ एक रिमार्क जुड़ा हुआ है का हियर Q is taken in such a manner that whole square of a function Without shed means करणी एंड दूसरा रिमार्क क्या होगा एंड negative sign इज ignored। ओके नेगेटिव साइन क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। दो चीजों के जब इस स्टेप को हम चूज करेंगे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो जो यहां पर q दिया गया अगर q का साइन नेगेटिव है तो नंबर एक यहां लिखते समय नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर देंगे। दूसरा यह भी ध्यान रखना होगा q का जो होल स्क्वायर ऑफ द फंक्शन लेने पर विदाउट सर्ड आना चाहिए। फिलहाल अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं स्टेप फोर में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड डी जेड अपॉन डी एक्स कहां से, फ्रॉम स्टेप थ्री एंड डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कैसे मिलेगा, जब यहां से आप डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे तो इसे जब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा एंड ऑप्टेन इतना ही नहीं ऑप्टेन जेड। जेड क्या होगा, तो dz अपॉन dx जो मिला होगा उसे इंटीग्रेट करेंगे तो z मिल जाएगा और dz अपॉन dx को एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब यहां से हम स्टेप नंबर फाइव पे आएंगे और स्टेप फाइव क्या है वो देखा जाए, फाइंड कैपिटल पी वन कैपिटल क्यू वन एंड कैपिटल आर वन By using the formula. Formula क्या है वो भी देखा जाए। P1 को निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं d2z upon dx square. Okay?
प्लस पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर एंड क्यू एन इज इक्वल टू हो जाता है आपका क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और आर वन इज इक्वल टू हो जाता है आपका आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। पी वन हो गया, क्यू वन हो गया और आर वन हो गया। अब कहा स्टेप नंबर सिक्स, स्टेप नंबर सिक्स क्या होगा वो देखा जाए। रेड्यूस्ड इक्वेशन जो आपको मिलेगा, रेड्यूस्ड इक्वेशन इज ये आप लिखेंगे, वह क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है, प्लस पी वन जो कि आप ऑब्टेंड कर चुके हैं स्टेप नंबर फाइव, पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर वन, ये आपका हो गया रिड्यूस्ड स्टेप, ये आ गया, ये आपको मिल गया स्टेप नंबर सिक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व, दिस इक्वेशन बाई यूजुअल मेथड टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ ध्यान रखने की बात है इन टर्म्स ऑफ z एंड आफ्टर दैट वी रिड्यूस्ड z इन टर्म्स ऑफ x ओके और यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। अब जरा सा एक प्रॉब्लम लेकर के हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, यह भी प्रॉब्लम एक लेकर के देखा जाए। तो हाँ, एक चीज रिमार्क के बतौर आपको याद रखना होगा कि P1 जो है हर हालत में वह क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर P1 कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो यह मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यह भी ध्यान में रखना होगा। तो फिलहाल एक प्रॉब्लम लेते हैं, कहा सॉल्व इक्वेशन लिखा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल सॉरी फोर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। ये हो गया आपका। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो वर्किंग मेथड बताएगा उस पे आए, तो पहले तो यही कहेंगे कि जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको राइट डाउन किया जाए। तो जब आप इसे लिखेंगे तो ये हो गया आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर, यू में से इट इज इक्वेशन नंबर वन, इसलिए तुरंत इसे इक्वेशन नंबर कह दिया गया, चूंकि यह प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होता, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन ना होता, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते फिर इसके बारे में हम सोचते। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके यहां कह सकते हैं कि हियर कैपिटल पी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर एंड कैपिटल आर इक्वल्स एक्स टू दी पावर फोर, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको बताया गया था, क्या कहता है, लेट अस चूज जेड सच दैट, तो इसके अनुसार आते हैं, कहा लेट अस चूज जेड सच दैट, वो क्या है, वो आपने कहा था डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, क्यू पर सावधानी बरतने का है, अगर यह क्यू इक्वल्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर होता तो इस स्टेप को लिखते समय हम माइनस को ड्रॉप कर देते, अगर यह क्यू इक्वल्स माइनस टू एक्स स्क्वायर होता तो माइनस को भी ड्रॉप करते, टू को भी ड्रॉप करते, इसलिए कि जब डी जेड अपॉन डी एक्स लेते तो टू साइड में आता, जबकि कहा गया था साइड को इग्नोर करना है, तो यह होगा सिर्फ हम लिख रहे हैं डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से अब आपको क्या क्या चाहिए वो आपको मालूम है, नंबर एक डी जेड अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आएगा आपका एक्स,
दूसरा आपको चाहिए डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, सॉरी ये लिखा है हमने 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो गया 2 हो गया, और इंटीग्रेट करके जेड निकालेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर 2x है तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया तो जेड इक्वल्स क्या मिल गया, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल गया एक्स स्क्वायर मिल गया। और ये जो मिला इसको कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं कि इक्वेशन 2 गिव्स रिलेशन, गिव्स इक्वेशन 2 गिव्स रिलेशन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, न्यू एंड ओल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत काम का इक्वेशन होता है कि जेड इक्वल्स एक्स स्क्वायर, जेड को किस में बदलना है एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर को कहिए किस में बदलना है जेड, क्योंकि प्रॉब्लम की थीम है कि दिए गए प्रॉब्लम को किस मेथड से चेंज करना, बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम एक्स को जेड में चेंज कर रहे हैं तो हमको यह जानना होता है क्या एक्स और जेड में कोई रिलेशन है कि खाली हम चेंज ही कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों ने देख लिया कि जो रिलेशन है जेड और एक्स के बीच में कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है वो आपको मालूम है, P1, Q1 एंड R1, तो चलिए उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ P1 इज इक्वल टू, P1 कैलकुलेट करेंगे तो P1 इज इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है, D2Z अपॉन DX स्क्वायर प्लस P × DZ अपॉन DX अपान, ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, फार्मूला याद रखेंगे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। D2Z अपान DX स्क्वायर वह आप कैलकुलेट कर चुके हैं, D2Z अपान DX स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला है 2, तो ये लिखा D2Z अपान DX स्क्वायर जगह 2 प्लस P इज इक्वल टू आपको मिला था -1 अपान X, और DZ अपान DX आपको मिला हुआ था 2X, तो ये लिख दिया (2X) अपॉन DZ अपॉन DX का होल स्क्वायर वह था आपका 4X स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 अपॉन 4X स्क्वायर कुल मिला के क्या गया 0। और आपने कहा था P1 कांस्टेंट आना चाहिए तो P1 क्या आ गया 0, इट मीन्स इट इज कांस्टेंट। और Q1 इज इक्वल टू आपने कहा था क्यू अपॉन DZ अपॉन DX का होल स्क्वायर। Q इज इक्वल टू क्या है वो भी देख लिया जाए, Q इक्वल्स है Q इक्वल्स है 4X स्क्वायर, तो 4X स्क्वायर और DZ अपॉन DX होल स्क्वायर यह भी आपने 4X स्क्वायर ही लिया था तो आ गया 1, एक चीज हो गया। नेक्स्ट आप R1 कैलकुलेट करेंगे और R1 इज इक्वल टू होता है R/DZ/DX का होल स्क्वायर। R इज इक्वल टू आपका है देखें R इक्वल्स आपको मिला हुआ है X^4, तो X^4 लिखते हैं X^4 अपॉन DZ अपॉन DX का होल स्क्वायर दैट इज 4X स्क्वायर, तो कुल मिला के आ जाएगा X^2/4। चूंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आप पहले ही कह चुके हैं X^2 इज इक्वल टू क्या है जेड, तो हो गया Z/4 बिकॉज X^2 इज इक्वल टू जेड, आपने ये रिलेशन निकाल रखा है का यूजिंग वैल्यूज ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन द इक्वेशन, किस इक्वेशन में वो देखा जाए, D2Y अपॉन DZ स्क्वायर प्लस P1 DY अपॉन DZ प्लस Q1 Y इज इक्वल टू R1। बी गेट D2Y अपॉन DZ स्क्वायर तो आपका यही हो गया प्लस P1 इज इक्वल टू 0 मिला तो 0 × dy/dz नहीं लिख रहे हैं समाप्त हो गया। Q1 इज इक्वल टू आपको मिला 1 तो Y इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू मिला है आपको Z/4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं D²+1 ऑपरेटेड ऑन Y इज इक्वल टू 1/4 × Z। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कहा देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे
तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से यम का जो रिजल्ट मिलेगा यम स्क्वायर इक्वल्स माइनस वन होगा, तो यम इक्वल्स आएगा प्लस माइनस आई का, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी, सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो चुका है, जेड हो चुका है। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे पी आई, तो पी आई इज इक्वल टू था वन अपॉन एफ डी, एफ डी का मतलब होगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ऑपरेटेड ऑन जेड अपॉन फोर, इतना हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन फोर इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ऑपरेटेड ऑन जेड। नियम कानून अगर आपको याद हो, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर माइनस वन ऑपरेटेड ऑन जेड। आपको याद आना चाहिए कैसे बताया गया है। अब बाइनोमियल सीरीज से जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा वन माइनस डी स्क्वायर प्लस डी टू दी पावर फोर माइनस डॉट डॉट, जो भी आता है आने दीजिए जेड। अब आपको यह भी मालूम है कि हम डी के पावर को मैक्सिमम वहीं तक रखें जहां जेड का मैक्सिमम पावर होगा, तो इंटू खाली लिखा जेड, वन आएगा वन इंटू जेड, जेड हो जाएगा। निगलेक्टिंग ये लिख दिया, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ डी, डी के हायर ऑर्डर टर्म को या हायर डिग्री टर्म्स ऑफ डी को क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। कहा देयरफॉर सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड प्लस पी आई क्या होगा, वन अपॉन फोर इंटू जेड हो गया। अब हमारी जरूरत है कि हमारा प्रॉब्लम तो y और x में था, तो z को हम x में बदलें, तो c1 z इक्वल्स, देखें आप निकाल चुके इक्वेशन नंबर टू में z इक्वल्स x स्क्वायर, तो z की जगह x स्क्वायर रखेंगे, तो जगह c1 cos ऑफ x स्क्वायर प्लस c2 sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 इंटू x स्क्वायर, ये कहां से आया, by इक्वेशन टू। अब ये जो आपको रिजल्ट मिला का इट इज या व्हिच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हिच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार स्टेप्स को खूब ध्यान से समझ लें कि बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की खासियत होती है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशियंट यूनिटी होना चाहिए। अब प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके P क्या है, Q क्या है, R क्या है, वो लिख लेते हैं। इस एजम्पशन को लेते समय हमको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q लेंगे, लेकिन Q का साइन अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन को एक तो ड्रॉप करेंगे, दूसरा Q को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि फंक्शन विदाउट सर्ड आए, मतलब जब यहां से हम dz अपॉन dx निकालें तो जो Q हो विदाउट सर्ड आए। दूसरा निगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, इसलिए इग्नोर कर देंगे बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन रियल रूट्स। निगेटिव साइन लेंगे तो dz अपॉन dx इमेजिनरी आने लगेगा, और dz अपॉन dx को एक बार डिफ्रेंशिएट करके डी टू जेड अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, और dz अपॉन dx को ही एक बार इंटीग्रेट करके z फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम p1 q1 r1 इन फार्मूलाज से निकालेंगे, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब आप p1 के, चूंकि dz अपॉन dx आपके पास है, p आपके पास है, d2 z अपॉन dx स्क्वायर आपके पास है, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास, सारी चीजें आपके पास पहले से है, लेकिन p1 जब आप निकालेंगे तो p1 ध्यान रखने, एक रिमार्क यहां पे लगता है कि यह p1 हर हालत में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर P1 कांस्टेंट नहीं आता है तो तुरंत यह समझ लीजिएगा कि इस मेथड से, मतलब बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से, अब हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशियंट के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर P1 बार-बार बोला, अगर P1 कांस्टेंट नहीं है तो समझ लीजिए कि इस मेथड से अब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब दूसरे मेथड जो पहले आप जान रहे हैं उनसे, मून मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और Q1 इज इक्वल टू है Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और R1 इज इक्वल टू है R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर।
अब ये पी वन क्यू वन आर वन की वैल्यू, तो पी वन को कांस्टेंट आना ही है, क्यू वन की नियत है कि वह कांस्टेंट आएगा और आर वन आपका जो कुछ भी आए। अब यह एक लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशियंट बन जाएगा जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड होगा। इसे हम प्रीवियस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जब सॉल्व कर लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन जेड एंड एक्स हम वाई को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे और यही हमारे दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन बन जाएगा। थैंक यू।